हेलो एवरीवन, चलो स्टार्ट करते हैं। एक बड़ा ही क्विक सा लैंडस्केप। इसके लिए मैं काटरे पेपर यूज कर रहा हूँ। तो ये आज का जो लैंडस्केप बनाने का पर्पस है वो यही है कि सस्ते मटेरियल में भी हम काम अच्छा कर पाए। तो ये बहुत ही सस्ता पेपर है। अप्रोक्सीमेटली ये एक जो पेपर लगा हुआ है इसकी जो कॉस्ट है वो 1 रुपये से भी कम है। इंडियन रुपीज जो है उसका 1 रुपया है, उससे भी ये सस्ता है। ये क्योंकि ये 6 रुपए की एक शीट आती है तो उसमें से 8 पीस निकल गए साइज के। सोच सकते हैं क्या कीमत है। पर पर्पस यही है कि आप बहुत बार लोग कहते हैं अच्छा मटेरियल नहीं है तो इसलिए हम काम नहीं कर पा रहे। तो वही है बताने का कि भाई हाँ, सस्ते मटेरियल से भी अच्छा काम किया जा सकता है। कोशिश है, बाकी तो आप बताएंगे कि अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। बस इतनी सी ड्राइंग है। कलरिंग स्टार्ट करते हैं। कलरिंग स्टार्ट करने से पहले कलर्स को अच्छे से एक बार गीला कर लेते हैं पानी स्प्रे करके। कोई भी सस्ते सस्ते कलर जो आपके मार्केट में अवेलेबल है यूज कर सकते हैं। स्काई से स्टार्ट करेंगे। अल्ट्रामरीन कलर स्टार्ट किया। थोड़ा सा काफी अच्छे कलर्स है अप्लाई होती है इस पेपर पे। मेरा फेवरेट पेपर है पर्सनली। बस मुझे लग रहा है कि अगर ये पेपर थोड़ा सा थिक हो के मार्केट में आ जाए तो ये धमाल कर सकता है वाटर कलर के लिए। एनीवे, अब बाकी पार्ट भी स्टार्ट करते हैं पेंटिंग का। इसकी खासियत है इसके ऊपर कलर बड़े ही टिकते हैं अच्छे से और इंटरेस्टिंग लगते हैं कि ब्यूटी बनी रहती है। ज्यादा देर ड्राई नहीं करने की कोशिश करनी पड़ती, जल्दी ही सूख जाते हैं। वेट नहीं करनी पड़ती बेसिकली मैं ये कहना चाहूँ। यहाँ पे थोड़ा बहुत सेना लेके इसको ब्रश भी कोई भी यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं कि कोई भी ब्रांड का कोई नाम प्रिंटेड नहीं है, सब ऑर्डिनरी मटेरियल है। ड्रायर से बैकग्राउंड सुखा भी सकते हैं पर मेरे ख्याल से सूख ही गई है, तो ऐसे ही ट्राई करते हैं। थोड़ा सा पर्शियन ब्लू या परमानेंट ब्लू लेके भी आप बैकग्राउंड में थोड़ा सा माउंटेन्स बना सकते हैं। तो थोड़ा सा मुझे माउंटेन्स लाइट चाहिए तो इसमें थोड़ा सा व्हाइट का टच भी मैंने दे दिया और इस ग्रे का टच।
ऑफिस के ऊपर थोड़ी सी बर्फ पड़ी हुई है, दिखा सकते हो? कुछ रैंडम स्ट्रोक्स पत्थरों के लिए, ग्रास के लिए, सब मिक्स एक काम करते हैं, ड्रायर से सुखाते हैं, फिर फाइनल डिटेल करते हैं। देख सकते हैं कि आर्टवर्क सूख चुका अच्छे से, अब फाइनल डिटेल स्टार्ट करते हैं। उसके लिए अब थोड़ा सा ब्रश छोटा हो जाएगा और कलर थोड़े से थिक और डार्क होते जाएंगे। ब्राउन का डार्क शेड यहाँ पे, 5 ग्रे और ब्लू। थोड़ा ऑरेंज, थोड़ा रेड लेते हैं, कहीं कहीं जरूरत पड़ जाती है। देखिए शेडो बन गई है, जो ये वुडन छत बनी हुई है उसके। अब देख सकते हैं कि शेडो आ गई अच्छे से पटकी, तो इसमें कहीं कहीं कुछ टच
देख सकते हैं कि घर के आगे जो भी वुडन प्लैंक्स वगैरह हो सकते हैं वो भी बना दिए, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप्स एक काम करते हैं, एक बार सुखा के फिर इसके और छोटे ब्रश से डिटेल करते हैं। देख सकते हैं कि आर्टवर्क सूख चुका है, अब इसके बाद थोड़ी सी और डिटेल करते हैं। उसके लिए अब और छोटा ब्रश, लाइनर ब्रश यूज करूँ, चार कलर्स, थिक कलर्स। देख सकते हैं कि इसके जो हट है वुडन, पुराना फील आ गया, काफी पुरानी लग रही है। देख सकते हैं कि शार्प टच लगते ही इसकी जो फोकल एरिया, फोकल पॉइंट और शार्प फोकस हो गया है, पेंटिंग और अच्छी लगनी शुरू हो गई है।
ऑलमोस्ट पेंटिंग तो हमारी बन ही गई है, तो सब तो थोड़ा सा टच दे के पत्थर वगैरह बाहर है। एक काम करते हैं, सूखा ट्री भी बना ही देते हैं। देखिए यहां से थोड़ा सा और काफी अच्छा लग रहा है आर्टवर्क, उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। बोर्ड्स सिग्नेचर करते हैं। के बाद इसकी टेप उतार के भी दिखाता हूँ मैं आपको। बस सुखा के इसकी टेप उतारते हैं। चलो इसकी टेप उतारते हैं। टेप हमेशा बाहर को उतारनी, नीचे वाली नीचे को, लेफ्ट वाली लेफ्ट को, राइट वाली राइट को और टॉप वाली टॉप साइड को। तो एक बार नीचे टेप लगाए तो ताकि पेपर रुका रहे। ऊपर की टेप भी उतारता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आर्टवर्क पसंद आया होगा। खूब प्रैक्टिस करिए इसकी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।